खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के साथ ही राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा ने जन्मदिवस अनाथ बच्चों के साथ मनाया। इंदौर उज्जैन रोड स्थित मानव सेवा ट्रस्ट में विभिन्न जगह इस अवसर सोनगरा का जन्मदिन मनाया और कई सामाजिक कार्य किए गए। एक और जहां साजापुर में 5100 डमरुओं के नाद से उनके चाहने वालों ने भगवान शिव की शाही पालकी का स्वागत और पूजा अर्चना की, जिसमें सुरेश सिंह सोनगरा ने भी उपस्थिति दर्ज कराई, तो दूसरी ओर अपने सेवाभावी स्वभाव के साथ चलते हमेशा लोगों के मन में बसने वाले श्री सोनगरा भी पीछे नहीं हटे। साजापुर में विभिन्न सौगातें भेंट की, वहीं स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न स्थानों पर सोनगरा मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहे, जिसके पश्चात श्री सोनगरा अपने जन्म दिवस को सेवा दिवस मनाने निकल पड़े। इसी कड़ी में उन्होंने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्ध जनों की सेवा की, तो दूसरी ओर अनाथ आश्रम के बच्चों को माल से मंगवाए ब्रांडेड कपड़े भी भेंट किए। सिलसिला यहीं नहीं रुका, कई जगह खेल सामग्री और जरूरतमंदों को विभिन्न सामग्री भेंट की गई। तत्पश्चात गुरुकुलम पहुंचकर वहां के विद्यार्थियों से भी श्री सोनगरा ने भेंट कर अनगिनत भेंट प्रदान की। अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व के चलते श्री सोनगरा जहां भी गए जनसमूह द्वारा आत्मीय से उनका स्वागत सत्कार किया गया। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। जन्मदिन किस प्रकार से मना रहे हैं के? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दादा भाई को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही खुशी का माहौल है। दादा भाई ने आज यहाँ पे आके छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया और सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपना जन्मदिवस ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ मनाएं। आपका बच्चा दीपिका शेखावत, राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना दहेज विरोधी इकाई प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ। मेरे साथ में सुनील जी, हमारे देवास के जिला अध्यक्ष शिवसेना से। कल शिवसेना ने 5100 डमरू से महान मेरा जन्मदिन मनाया। 5100 डमरू से महाकाल की आरती उतारी हमें। हम सबको आमंत्रित किया गया था। हमारे जो जमात साहब हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हमारी बहन जो प्रदेश अध्यक्ष है, सब ने मिलकर ये पहल शुरू की है। मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा और जितने सुन रहे हैं उनसे भी एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं कि अपना जन्मदिन पर अनाथ बच्चे और वृद्धाश्रम में जाकर सेवाएं कीजिए, खुशियां अलग मिलेगी और वो मनाने का मजा ही कुछ होता है। और एक बात और देश के लिए कहना चाहूंगा, देश की प्यार करना ही है तो बलाओं में क्या रखा है, प्यार करना ही है तो बलाओं में क्या रखा है, देश से करो। पूजा ही करनी है, पूजा ही करनी है तो चारों धाम तो अलग बात है, बट हमारे माता पिता की पूजा कर लीजिए, आप अपने जीवन को कई पित्र दोषों से दूर हो जाएंगे। और भारत देश में एक बात और छोटी सी रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। यदि आज 15 अगस्त है, मेरे जन्म उत्सव का आज दिन भी है और ये त्याग तपस्या का दिन भी है, त्याग तपस्या के साथ साथ बलिदान का भी दिन है। सब भाई साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे आप? भाई साहब का जन्मदिन नहीं मनाया आज, आज भाई साहब ने अपने जन्मदिन के एक उत्सव को ऐसे बच्चों के बीच मनाया जिनके लिए उन्होंने जो सोचा विचार किया वो पूर्ण भी किया। उनके लिए ऐसे वस्त्र जो उनको रोज डेली उपयोग में आए, उनके लिए व्यायाम के रूप में जो खेल के रूप में बढ़ावा मिले, ऐसे उनको जो खेल की सामग्रियाँ हमारे बास्केटबॉल और क्रिकेट की सामग्रियाँ उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन उनका भाव जो मुझे देख के ऐसा लगा कि उन्होंने जो विचार इन बच्चों के बीच में रखे, जो नॉलेज के रूप में रखा, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सामग्रियों के साथ साथ जो नॉलेज इन्होंने बढ़ाया वो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।